हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू केडी लाइफ। जल्दी जल्दी आ जाएंगे सारे बच्चे, जुड़ जाएंगे केडी लाइफ के साथ, शिल्पी मैम के साथ और अपनी शाम वाली क्लास के साथ। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का जो है प्रोग्राम। जो भी आज के आपके पास क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, सही बच्चे को जल्दी से शेयर कर देना है सेशन को, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी शेयर कर दो। हाँ, तो मुझे कुछ बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, अपने रेगुलर बच्चा पार्टी दिख रहा है मुझे, जैसे कि मुझे सुषमा जी दिख रही हैं। चलिए, गुड इवनिंग सुषमा, गुड इवनिंग। उसके बाद में पिंटू, चिंटू, मिंटू, गुड इवनिंग भाई पिंटू। हाँ देखो, अगर देखा जाए तो पिंटू जी रोज टाइम से आते हैं, है ना, और रोज आते हैं। चलिए, उसके बाद में है संजना जी, गुड इवनिंग। उसके बाद में है हेमलता, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, हाँ आपको भी मोटिवेट करेंगे, ऐसा आपके अंदर हम जुनून लाएंगे कि कुछ भी कर जाओगे तुम, ठीक है। उसके बाद में है नीति गहलोत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो है मोस्ट वेलकम है सौरभ गुप्ता का, बहुत दिन बाद आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल के, कहाँ फंस गए थे भाई तुम। चलो, उसके बाद में मनीष जी हैं, कैसे हैं मनीष? और कमेंट बहुत छोटे दिख रहे हैं, रुको तुम एक मिनट। कमेंट्स बड़े करने से बहुत कम दिखाई दे रहे थे। चलो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलिए, कह रहे मैम डेली क्लास यूट्यूब पर ले, तो यस बच्चे रोज 5 बजे, ठीक है। देखो आज ही आते ही शुरू कर दिया मैम, कितने बजे आते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आज आपके लिए क्या है, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत गहरी बात है, कुछ ऐसे मोटी बुद्धि होगी कि जिसके ऊपर से जाएगा, लेकिन अगर ये बात आप दिल पे लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, कभी इंतजार मत करना, है ना, कि चलो जो होगा भगवान करेंगे। खुद करना है, अपना सिलेक्शन खुद लेना है, बस आपको कोशिश करना है, नहीं तो तुम्हें उतना मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, कि चलो कुछ इनके लिए भी छोड़ देते हैं। आ जाइए, अब आते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम आपके नहीं लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे डाले गए हैं जो हाल फिलहाल आपका जो एग्जाम चल रहा है उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए, ठीक है। देखो, 2 सेकंड का टाइम लो और आंसर कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने पास आज 50+ क्वेश्चंस है, कितने 50 से ज्यादा क्वेश्चन अपने पास है, तो फटाफट सब बच्चे क्या करेंगे, आंसर करने में लग जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग। चलो पम्मी उज्जवल, गुड इवनिंग संजना, हेमलता, विक्रम आ गए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, हेलो हाय हम करते रहेंगे। तो अगर हम बात करें, यहां आपसे पूछा जा रहा है Who among the following is the called soldier of the human body? देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने कहा है देखो 2 सेकंड का टाइम लो और आंसर करो। आप सब जानते हैं जो WBC है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये आपके ब्लड में 3 तरीके की जो आपकी क्या पाई जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती है, आपको पता है प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है, साथ में आपके WBC है ना, RBC और आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें सैनिक कोशिका किसे कहा जाता है, तो आपके WBC है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से कोई पैथोजन आया तो इसे वो क्या करती है, अपने अंदर खा जाती है, उसे निगल जाती है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, उससे लड़ाई करेगी कौन सी, WBC, इसलिए हम इसे सैनिक कोशिका कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, आपसे पूछ रहा है नेफ्रॉन इज रिलेटेड, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा जो नेफ्रॉन है वो संबंधित है। ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि सारा ही क्वेश्चंस एक बार आपको करा दिया गया है, सारे क्वेश्चंस पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने करवा दिया है। आज मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका क्या है वीकेंड है, तो मैं इस तरीके से कह सकती हूँ कि आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर करो। हाँ, WBC बिल्कुल सही आंसर था, जितने बच्चों ने, पिंटू ने, सुषमा ने, फरीन खान ने, जितने बच्चों ने WBC कहा है, ये बिल्कुल सही आंसर था। और जो है खुशबू कौशिक भी आ गए हैं, चलिए खुशबू जी आंसर करो फटाफट, ठीक है। चलो दीपक, पम्मी, ये जितने इमोजी तुम भेजते हो तुम्हें सबका मतलब पता है, हमें तो बताओ, एक एक पता है, वही जो एक हंसने वाला नहीं आता, ठीक है, उसके आंसू निकल जाते हैं हंस के, मुझे तो बस वही एक पता है, है? तुमसे सीखना पड़ेगा, तुम कुछ हमसे सीखो, हम कुछ आपसे सीखे, ये सब तो तुम्हें आता ही होगा, है ना। चलो, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे सही
आंसर क्या है? तो देखो बच्चों, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से क्या बना है आपकी किडनी, ठीक है? किडनी आपकी किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है, और इसीलिए जो है अगर हम क्या करते हैं किडनी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं, और जो किडनी के डॉक्टर है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है? और किडनी कहाँ का भाग है? तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? और देखो खुशबू, तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती क्या हुई, तुम्हारे पड़ोसी कितना हंस रहे हैं, है ना? देखो इसे कहते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्यों में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। कई बच्चे भावुक होंगे, लेकिन आराम आराम से आंसर करना, ठीक है? भावुक मत होना, आराम से पढ़ना। और आंसर पूछा जा रहा है, डैश कन्वर्ट्स अमोनिया टू यूरिया इन ह्यूमंस। बताइए किडनी, लीवर, पेनक्रियाज या आपकी लार्ज इंस्टेंटाइन, कौन सा ऐसा ऑर्गन है बच्चों जो आपके बॉडी में जो अमोनिया है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में अमोनिया है उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? यूरिया में। जल्दी से, यस। शिप्रा मिश्रा कह रहे हैं मैम साइंटिफिक नेम की क्लास नहीं होगी। बच्चा देखो, आज आपका जो थंबनेल लगा था पहले साइंटिफिक नेम का ही लगा था, लेकिन वो हटा के मैंने ये वाली क्लास आज इसलिए ली है क्योंकि अगर मैं आज उसे ले लेती कल क्लास नहीं होता, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो साइंटिफिक नेम है वो आपका दो क्लास लेगा वो, ठीक है? दो क्लास में कंप्लीट होगा तो गैप आ जाता, तो मैं वो मंडे कराऊंगी। मंडे ट्यूजडे आपका बिना गैप नहीं रहेगा, मंडे ट्यूजडे आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है? ओके, तो मंडे आपकी साइंटिफिक नेम वाली क्लास होगी। जब मैंने कह दिया है तो मैंने कह दिया, ठीक है? लूंगी मैं, थोड़ा यकीन रखो, है ना? तुम्हारी तरह इतना जब मैं झूठ नहीं बोलती, फेंकती नहीं हूँ। चलो क्या आंसर है? यस बच्चों, कई बच्चों ने आंसर किया है किडनी। मुझे पता था तुम भावुक हो जाओगे और तुम एक लाइन से आंसर गलत करोगे। बच्चों याद रखना, अगर यहाँ बदलने की बात आई है तो अमोनिया को यूरिया में जो चेंज करेगा वो लीवर करता है, ठीक है? लीवर करता है, ठीक, लीवर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आपका लीवर सही आंसर आएगा, ओके। किडनी सही आंसर नहीं आएगा, लीवर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी? उसके बाद बच्चों जब ये चेंज करके क्या करता है, ब्लड में मिला देता है, तब ये किडनी क्या करेगी, ब्लड से यूरिया को फिल्टर कर देती है, ओके? कह रहे यकीन नहीं है, अरे अब हम पे यकीन नहीं करोगे तो कहां जाओगे, हैं? चल अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीथिंग, ठीक है? मस्तिष्क का कौन सा भाग आपके श्वास को नियंत्रित करता है? हाँ जी, जो आप सांस लेते हैं, है ना बच्चों, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपके मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? बताइए, पढ़िए और आंसर करिए। बिल्कुल बच्चे, सौरभ ने कहा हिपेटोलॉजी, बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लीवर की अच्छे से स्टडी करते हैं, अगर आप ये जानते हैं कि अगर आप अपना 50% लीवर किसी को दे देते हैं तो कुछ दिन बाद आपका 100% लीवर बनके फिर से तैयार हो जाएगा, तो जब आप डिटेल में लीवर की स्टडी करेंगे तो उसे हिपेटोलॉजी कहते हैं। यस बिल्कुल राइट। और नीति गहलोत करे, हाय मनीषा, मतलब रोज तुम्हें जो भरत मिलाप होता है यही करना है, है? जल्दी जल्दी चल, हेलो मिस मुस्कान, चलिए अपनी मुस्कान यहाँ बिखेरिए और आंसर करने की कोशिश करिए। चलो राजा जी आज भी आए हैं, चलिए डी आंसर के साथ जा रहे हैं। सुषमा जी सी के साथ हैं। एकता पाल जी, मैंने सही बताया था, चलो सुषमा तुमने सही बताया था, तुम्हारे लिए तालियां। चलिए अब हम बात करें तो यहाँ पर आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। देखो आपके ब्रेन के बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो इनवॉलेंट्री है, उन सब पे कंट्रोल आपका मेडुला करता है। और मेडुला जो तुम्हारा हिंड ब्रेन है बच्चों, ठीक है, जो पीछे वाला दिमाग है, जो यहाँ पाया जाएगा, वहां से अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पर पाया जाएगा उसका पार्ट होता है, बिल्कुल मेडुला ओबलंगेटा, बिल्कुल सही आंसर है। यस 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा है देखो और आंसर करो, ज्यादा बहुत लेवल के क्वेश्चंस मैं नहीं लाई हूँ, देखते ही आंसर करना है। चलिए, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइए, ठीक है? दो न्यूरॉन्स है आपके पास, ठीक है बच्चों? क्या है? दो न्यूरॉन्स है आपके पास, तो इनके बीच यहां से दूसरा शुरू हो जाएगा, तो इनके बीच का ये गैप क्या कहलाता है, आपसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है? दो न्यूरॉन्स है, दोनों के बीच कुछ गैप है, इस गैप को हम क्या कहेंगे? जल्दी से, कौन सा बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा? हेमलता कह रहे सॉरी सी, ठीक है, ओके। एकता पाल, चलिए मनीष का आंसर आया है, एकता पाल का आंसर आ गया है, प्रदीप का आंसर आ गया है, सुमित का आंसर है, मनीषा का आंसर है, राजा का है, चलो दीपांशु जी का है। चलिए तो देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे ने बी आंसर किया तो पहले अपने लिए ताली बजा ले, ठीक है? पहले अपने लिए वो क्या बजाएगा? ताली बजा लेगा, अगर वो लाइब्रेरी में नहीं है, घर पे है तो, ठीक है? लाइब्रेरी में हो तो शांति से पढ़ लो। तो देखो अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, ये इस तरीके से आपका न्यूरॉन है, ठीक है? एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, तो जब ये दो न्यूरॉन के बीच की जो ये दूरी होती है, ठीक है, जो इनके बीच में गैप होता है, इसे ही हम सिनेप्स कहते हैं, ठीक है? इस
इस गैप को ही, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो जितने बच्चे बी के साथ गए हैं फटाफट ताली बजाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। और कुछ बच्चे ए के साथ जा रहे थे तो उन्हें क्या करना है बताओ, तुम खुद बताओ उन्हें क्या करना होता है। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास है, क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है, कौन सा हॉर्मोन है जो मानव रक्त में शर्करा को मेंटेन करता है, जल्दी से बताइए। चलो ताली बजा लिया है सब बच्चों ने, ठीक है, कह रहे मैम मेट्रो में हो तो भाई शांति से बैठे रहना है ना। चलो बी शुभम पांडे, चलिए ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि जो हार्मोन क्या करेगा जो आप में ब्लड, आपके ब्लड में शुगर है, जल्दी से बताओ ब्लड शुगर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे ब्लड शुगर कौन सा शुगर है आपका, जल्दी से बताइए। ब्लड शुगर को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को ही बच्चा हम ब्लड शुगर कहते हैं। अगर इसकी मात्रा कंट्रोल है तो वो कौन है, वो आपका यस इंसुलिन कर रहा है, और इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है तो तुम्हारे पैनक्रियास से निकल रहा है, ये भी याद रखना। पूछा गया कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, कौन सी ग्लैंड से निकलता है, आपको याद रखना पैनक्रियास। यस बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट आपके पास है, मानव शरीर की ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव कर सकती है, यस जल्दी से बताइए। जो बच्चों एंजाइम भी बना दे, ठीक है, जो एंजाइम भी बना दे और जो हार्मोन भी बना दे उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और तुम्हें बताया था कि तुम्हारी पूरी बॉडी में एक ही ग्लैंड ऐसी है जो मिक्स्ड ग्लैंड है, इकलौती ग्लैंड, इकलौती ग्रंथि ऐसी है जो मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, जो क्या है, जो मिश्रित ग्रंथि है। तो आपसे उसका नाम पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए, ठीक है। यस फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, बहुत अच्छा सौरभ, बहुत अच्छा, चलिए यस बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। इकलौती अपने शरीर में क्या है, मिक्स ग्लैंड है, जिसे हम कहते हैं जो है पेनक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय। ये क्या करेगी, ये एंजाइम भी बना सकती है, ये हॉर्मोन भी बना सकती है, ठीक है, और ये अकेली सिंगल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये सिंगल है तुम्हारी तरह। आ जाओ नेक्स्ट, चले आ जाइए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि महिलाओं में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इन वुमेन द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, चलिए जो एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्ट्रॉन दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं कहाँ से, महिला के द्वारा, तो आपसे पूछा जा रहा है वो कहाँ से होता है, ओविडक्ट यानी आपका फेलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहते हैं, यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है, यूरिन या जो है यूटेराइन या आपका ओवरी, कहां से होगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी क्या आंसर है, चलिए यूट्रस, ओके, चलो कुछ बच्चे यूट्रस बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं ओविडक्ट, चलिए। तो देखो बच्चों मुझे लग रहा था कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका सही आंसर ओवरी, ठीक है, डी इज द, यहाँ पर आपका सही आंसर है अंडाशय, आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, अंडाशय यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर अंडाशय सही है, ठीक है खुशबू, ए आंसर बता रहे हो, हाँ चलो यहाँ पर आपका डी आंसर सही है। कहाँ से प्रोजेस्टेरोन और ये आपका एस्ट्रोजन दोनों ही बच्चे कहाँ से निकलते हैं, दोनों ही आपकी ओवरी यानी अंडाशय से निकलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। हेमलता यूट्रस नहीं आएगा बच्चे, यूट्रस नहीं आएगा, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, एक अवतल दर्पण, ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी बताइए, ठीक है, If the radius of curvature of a concave mirror is 6.2 centimeter, then its focal length will be dash centimeter. Hans, यानी आपका क्या दिया हुआ है? R आपका कितना दिया हुआ है? 6.2 centimeter दिया हुआ है. F आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो दुनिया का हर एक बच्चा जानता है F is equals to R by 2 होता है. बता दो अब बता दो, अब बता दो. कह रहे गलत पर आपकी तीखी नजर. तो आता हुआ क्वेश्चन क्यों गलत करना, आता हुआ क्वेश्चन क्यों गलत करना, इतने इजी मैंने कहा है आज के क्वेश्चन में तुम्हें 2 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन का, सब मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बिल्कुल हल्के होते हैं और आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखो एक तो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर ऐसा डालता है कि बच्चा उसे देख के खुश हो जाए और आगे वाले क्वेश्चन पे मूव कर जाए, तो वैसे क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ।
यस बच्चों, तो आपको याद रखना यहाँ हो जाएगा 6.2 अपॉन में 2 और कट करके आपका आ जाएगा 3.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी जितने बच्चों ने कहा है बिल्कुल डन 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 राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बच्चा स्टार लगा लेना क्योंकि आजकल एसआई यूनिट बहुत पूछ रहा है, ठीक है। जितने भी एनालिसिस मैंने कराए हैं आपने देखा होगा, एक में पूछा था इंडक्टेंस का, है ना, और दूसरे वाले में प्रेशर का, ठीक है। तो एसआई यूनिट आजकल पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो एसआई यूनिट देख के जाना, ठीक है, एसआई यूनिट देख के जाना। और ऐसा है तो मैं केडी लाइव पर ही एक पीडीएफ डलवा दूंगी, सारे ही आपके क्या होंगे, आपकी क्वांटिटीज होंगी और सबके एसआई यूनिट लिखा होगा, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो पूछे जा सकते हैं। बताइए रेजिस्टिविटी, या हम इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। यस बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ओम मीटर ओम मीटर ओम मीटर, ए बिल्कुल सही आंसर, ओम मीटर इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने वैसे क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो जरूर इस क्वेश्चन को वो करेगा। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिपेंड्स। देखो आपसे पूछा जा रहा है विद्युत चालक की जो प्रतिरोधकता है, जो रेजिस्टिविटी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए, जो क्या है, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है। देखती हूँ कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। चलिए क्या आंसर है, क्या आंसर है, सौरभ कुमार डी, एकता पाल डी, सौरभ डी, प्रदीप ए, चलिए ऑल, एक बच्चे का आंसर आया ऑल, ठीक है, लेंथ, चलो चलो ठीक है, ओके ओके। तो देखो बच्चों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसे हम रो से डिनोट करते हैं, और ये ना तो एरिया पे, ना आपके जो है किसी भी चीज पे नहीं, यहाँ पर आपका ना तो उसके लेंथ पे, किसी भी चीज पे नहीं, वो डिपेंड करती है मटेरियल, ठीक है, कि जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है, वो बस एक चीज पे जो है डिपेंड करेगी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, चाहे तो याद कर लो चाहे तो रट जाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है तो आप थ्योरी वाली क्लास देखिए, आपको यही याद रखना है कि रेजिस्टिविटी बस एक चीज पे डिपेंड करती है, प्रतिरोधकता बस एक चीज पे डिपेंड करती है, वो है मटेरियल, वो है सामग्री, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेक्स्ट वाले में पूछा गया निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो दो तरीके के चेंज होते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज क्या है बच्चों, अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज होता है कि अगर मान लो केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, अगर मान लो केमिकल चेंज हो गया तो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा और हम वापस उसे उस प्रोडक्ट में नहीं जो है रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फिजिकल चेंज क्या है, तो जैसे मैं लाइट ऑफ कर दूं, ठीक है, लाइट ऑफ करना ऑन करना एक फिजिकल चेंज हो जाएगा, क्यों, लाइट ऑफ करूंगी अंधेरा हो जाएगा, फिर से ऑन करूंगी फिर से क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि कोई ऐसा चेंज जो आप क्या कर सकते हैं, उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है और उसे आप फिर से ला सकते हैं, वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है बच्चों, जो एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है, दूध से दही एक बार हो गया तो हो गया, बताइए। यस तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ बात करें ठोस का द्रव में पिघलना, तो देखो बिल्कुल अगर हम कोई बर्फ है उसको पानी बना देंगे तो फिर से हम उसको जो है बर्फ बना सकते हैं, है ना। यहाँ भी ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका है सी ऑप्शन से फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। अगर हम पदार्थों का किण्वन करते हैं, जैसे अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल किस जो है प्रोसेस से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन से, ठीक है। तो देखो अगर फर्मेंटेशन कर देते हैं बच्चों, तो क्या फिर से उसे हम फिर से ला सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये फर्मेंटेशन आपका क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज नहीं है। बिल्कुल प्रदीप सही आंसर है, सीमा कुमारी बिल्कुल सही आंसर है, पिंटू जी बिल्कुल सही आंसर है, मुस्कान बिल्कुल, और कौन है, विकास यादव बिल्कुल ठीक है, आकाश मौर्य बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, खेल गए तुम आज, आ जाओ नेक्स्ट। तुम्हें पूछ रहा है तुमसे, अगर वो पूछ ले तुमसे, क्या पूछ रहा है कि तुम्हारा हाल क्या है। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनका हाल पूछा जाएगा, है कितने ऐसे जो मैं कहूंगी बड़े मासूम से बच्चे हैं कि जिनको ये लग रहा है कि उनका हाल पूछने वाला है एग्जामिनर। चलो मोहम्मद आलम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, आ जाओ क्वेश्चन करो। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने परमाणु के अविभाज्यता का की व्याख्या की है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम।
चलिए जल्दी से बताइए कि आइटम किसने ये बताया था कि कोई भी मैटर है, ठीक है, वो छोटे छोटे चीज से, पार्टिकल से मिलके बना है, और इस पार्टिकल को हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उनकी ये थ्योरी गलत भी मानी गई थी, ठीक है। तो वो थे हमारे डाल्टन भाई साहब, ठीक है, इन्होंने अपना जो है काम तो बता दिया, ठीक है, कि एटम को हम अगेन डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इनकी थ्योरी गलत गई थी, लेकिन इन्होंने ही ऐसी बातें कही थी। चलिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण है और जो बच्चों स्वतंत्र रूप से रह सकता है, जल्दी से बताइए, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऐसा कौन सा है जो इंडिपेंडेंट रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। डॉल्टन चाचा अच्छा ठीक है, तुम्हारे चाचा जी हैं, ओके, अच्छा दादाजी, चलो ठीक है दादाजी हैं, चलिए ठीक है मान लिया डॉल्टन दादाजी, चलो ठीक है। यादव जी आइए आइए, जल्दी से आंसर कीजिए। ए आंसर कर रहे हैं, चलो इतनी तेज तुम्हारे आंसर भागने चाहिए, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। अगर हम बात करें यहाँ पर सही आंसर क्या है बच्चा पार्टी, तो सही आंसर है यहाँ पर कि जो पदार्थ है वो सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र रूप है वो है बच्चों मॉलिक्यूल। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चों देखो एटम आपका क्या है वो स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता, डी, ठीक है, जो एलिमेंट है आपका वो स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल है वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, जैसे H2O, ठीक है, H2O। अब आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, चलिए जल्दी से बताइए, पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से है जिसे हम सिंगल, चाहे ए से डिनोट कर लो, चाहे बी से, चाहे सी से, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा है जिसे हम बच्चों सिंगल वर्ड से क्या करेंगे, डिनोट कर पाएंगे, चलिए बताइए, कॉपर, कार्बन, क्लोरीन या आपका कैल्शियम, जल्दी से बताओ क्या आंसर सही आएगा। मॉलिक्यूल्स, यस मॉलिक्यूल्स, कार्बन, कार्बन आंसर आना शुरू हो रहा है, कार्बन के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। तो बच्चों देखो कॉपर को तो हम Cu लिखते हैं, कार्बन को हम सी लिखते हैं, क्लोरीन को सीएल लिखेंगे, कैल्शियम को सीए लिखेंगे। तो अगर हम बात करें कि सिंगल आपको यहाँ कौन दिख रहा है, तो सिंगल कौन सा है यहाँ पर, कौन कौन सा सिंगल है, तो देखो बच्चों यहाँ पर अकेला ही सिंगल यही दिख रहा है, कार्बन, कार्बन बेचारा अकेला है, ठीक है, कार्बन आपका बस सी से हम क्या करते हैं इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके, चलिए ठीक जी, चलो, और लाइक कर देंगे एक बार सभी बच्चे, है ना, जब तक मैं कहूंगी नहीं, बिल्कुल वो अगर 37 है तो 40 भी नहीं होगा, ये तो मुझे पता है, ये मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ, है ना, लेकिन अब मैंने कह दिया तो कर दोगे तुम, ये भी उम्मीद है, ठीक है, जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम एक नहीं बढ़ाते हो, लेकिन हाँ अगर मैं कह दूंगी तो तुम कर जाओगे, इतनी उम्मीद है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट डक्टाइल, जल्दी से बताओ सबसे ज्यादा डक्टाइल आपका इसमें से कौन सा है, सबसे ज्यादा डक्टाइल या मैलेबल इसमें से कौन सा है, ठीक है, जिसे हम खींच खींच के लंबे से तार में और पतले से तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सा है, आपका लेड, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर या आपका जो है कार्बन, ठीक है, आपका क्या है, लेड है, ये आपका गोल्ड है, ये आपका सिल्वर है और ये आपका कार्बन है, प्यारा सा बताइए कौन सा है कि जो मोस्ट डक्टाइल है, कौन सा है जो मोस्ट डक्टाइल है। यस यस बच्चे बिल्कुल सही आंसर है, बच्चों याद रखना कि जो सबसे अमीर, ठीक है, जो सबसे रिच एलिमेंट या सबसे रिच मेटल माना जाता है आपका गोल्ड, ठीक है, यही अकेला है जिसे खींच खींच कर आप क्या कर सकते हैं, बहुत लंबी सी तार बना सकते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम मान लो गोल्ड है किसी के पास 1 ग्राम है, तो और उसका आप 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं, देख लो, अब ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको याद रखना बच्चों की मोस्ट डक्टाइल है, इसे आप खींच खींच के लंबे लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहां पाया जा रहा है गोल्ड, तो आपके डी ब्लॉक में पाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, डी ब्लॉक में 79 नंबर पर पाया जा रहा है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है एकमात्र धातु जो आपके लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, दैट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में मौजूद है, बताइए जल्दी से अकेली ऐसी कौन सी है। हाँ अच्छा, एक के पास 20 kg है, कौन सा भाई है, अपना बताओ नाम वाम है, घर का एड्रेस एड्रेस बताओ, चलो जल्दी से बताओ,
मम्मी उज्जवल क्या आंसर है? चलिए, हेमलता, ब्रोमीन, ब्रोमीन ने बच्चों बहुत बार बता रखा है कि अगर हम बात करें तो जो आपकी नॉन मेटल है ये बेसिकली आपके गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन इकलौती ऐसी जो है नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता वो स्क्रीनशॉट ले सकता है ना, पैसे नहीं लगने वाले। आ जाओ नेक्स्ट, आपसे क्या पूछ लिया, पूछा जा रहा है कि पानी से अगर हाइड्रोजन को आप अलग करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर कॉल्ड? हाँ जी, अगर आप पानी से बच्चों क्या करते हैं, H2O को, ठीक है, H2O से H अलग करते हैं, तो ये किस, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रोड लगा के इसे अलग किया जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोसिस। ओके, चलिए, तो इसलिए यहां पर आपका सही आंसर है ए। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जा रहा है, जो फुलरीन है, जल्दी से फुलरीन का अदर नेम बताओ, अदर नेम ऑफ फुलरीन, जल्दी से कौन सा बच्चा पार्टी इसका दूसरा नाम बताएगा? ठीक है, इसमें कितने कार्बन है बच्चों, जल्दी से बताओ, फुलरीन में कितने कार्बन है, फुलरीन में कितने कार्बन है, फुलरीन में कितने कार्बन है, जल्दी जल्दी, फुलरीन में कितने कार्बन है भाई बच्चा पार्टी? यस, चलिए 48, चलो 60, 60, ये 48 वाले ने क्या खा रखा है? क्या खाया भाई 48 वाले बच्चे ने? अरे हाँ, डिजिटल थप्पड़ चाहिए किसी को? देखो 48 नहीं बचे, यहाँ आएगा 60। ठीक है, 48 वाले ने कुछ गलत पदार्थ खा लिया है, ठीक है, और अगर हम बात करें इसका अदर नेम क्या है, जल्दी से बता दीजिए, मेरा क्वेश्चन है इसका दूसरा नाम क्या है। चलो 60 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है, देखो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से बच्चों एक जो है संरचना है ना, इस तरीके से एक क्या है, संरचना है। कह रहे मैम भांग खा लिया है, भांग का जल्दी साइंटिफिक नेम बता दो, कौन बताएगा? सौरभ बताएगा फटाफट। चलिए, कह रहे सॉरी मैम नहीं पता, ठीक है नहीं पता तो कोई बात नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है, एक परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, बताओ कोई परमाणु है? ठीक है बच्चों, तुम्हारी तरह है ना प्यारा सा, तो इस तरीके से एक एटम है यहां पर, इसमें आपका एक न्यूक्लियस है जिसे आप नाभिक कहेंगे, ठीक है, यहां पर आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक में कौन है, नाभिक में कौन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो सौरभ ने लिख भी दिया है। चलिए ठीक है, कौन है, हाँ डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाविनॉल। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों के विरोधी कण कौन से है? जल्दी से बता दीजिए, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कई भावुक बच्चे मुझे मैं कई भावुक बच्चों को पकड़ूंगी इसमें, ठीक है, और इसमें कई जो है बच्चे गलत आंसर करेंगे, और ऐसे बच्चों को मेरी नजरें तलाश रही है। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो पार्टिकल है उसका, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका अपोजिट पार्टिकल कौन सा है, उसका एंटी पार्टिकल कौन सा है, जल्दी से, यस डी, ओके विक्रम, चलिए ओके, चलो मनीष ने बताया आंसर, मनीष ने बताया आंसर प्रोटॉन, ठीक है, और कोई, कई बच्चे प्रोटॉन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, पूरी की पूरी मैं कह रही हूँ, कई जो है थोड़े से संभले हुए बच्चे हैं वो तो जा रहे हैं प्रोजेस्टेरोन के साथ, बाकी सारे प्रोटॉन के साथ जा रहे हैं, और जितने प्रोटॉन के साथ जा रहे हैं सब भावुक हैं, ठीक है, सब भावनाओं में बहने वाले बच्चे हैं, और ऐसे एग्जामिनर तुम्हें भावनाओं में घेर देगा। यहाँ पे सही आंसर है जो है पोजिस्ट्रॉन। देखो बच्चों प्रोटॉन आपको पता है, प्रोटॉन का मास अलग है और आपके इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन जो है जितना मास आपके इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मास आपके प्रोजेस्ट्रॉन का है, बस यही है कि ये प्लस होता है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, इसलिए एंटी पार्टिकल ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, पोजिस्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पर आपका डी आंसर सही है। ठीक है, डी वाले बच्चे अपने लिए ताली बजाएंगे। चल, तो इसलिए आंसर को ध्यान ध्यान से करो, ज्यादा भावनाओं में मत बहिए, ठीक है, आ जाइए। अब आपसे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? क्या ट्रिक याद किया था हमने, इंट पर नाच, ठीक है, क्या क्या किया था भाई, इंट पर नाच, ठीक है, अब जल्दी से बता दो, ठीक है, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, और चार से चैडविक, यहां से ई से इलेक्ट्रॉन, और टा से आपका क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। यस,
किसने की थी? ईंट पर नाच हमने याद किया था, यहाँ पर आपका बी आंसर सही है, थॉमसन, जे जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, परमाणु नाभिक मॉडल किसने दिया था? हाँ जी, जो आपका परमाणु नाभिक मॉडल था, ठीक है, पहले क्या लगता था, पहले लगता था कि एक परमाणु है इस तरीके से, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, बाद में बढ़िया महान साइंटिस्ट आते हैं जो कहते हैं जो परमाणु है वो आधा खोखला है, बस उसका इतना पार्ट ही भरा हुआ है, और इन्होंने किया था कौन सा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना, उन्होंने एक गोल्ड की पतली सी शीट ली थी उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया था, और वो कौन थे, तो वो थे हमारे रदरफोर्ड जी, ठीक है, यहाँ पर आपका रदरफोर्ड बिल्कुल सही आंसर है, यस, ठीक है, ओके, ए ए बिल्कुल सही आंसर, बी नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर कोई बी कर रहा है क्या, इतने भी बेवकूफ प्राणी है आज क्लास में, हाँ, इसका आंसर बी कैसे कह रहे हो, यहाँ पर आपका सही आंसर आपका ए है, ठीक है, यहाँ पर ए आंसर रदरफोर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ये गलत लगा हुआ, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे ज्यादा होगा, जल्दी से बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज द लार्जेस्ट डायमीटर, इनमें से कौन सा बच्चों जिसके पास, जिसके आइटम का साइज सबसे बड़ा होगा, जिसके पास डायमीटर जो है वो सबसे ज्यादा होगा, आयोडीन, फ्लोरिन, क्लोरिन, आपका ब्रोमिन, कौन सा सही आंसर लग रहा है, यस, फटाफट जल्दी जल्दी, जल्दी से क्या आंसर सही लग रहा है भाई, आयोडीन, पवन का आंसर आया है, शालू का आंसर आयोडीन आया है, मनीष का ए, चलो पवन ए, कुछ बच्चे डी के साथ, मुस्कान डी के साथ जा रहे हैं, चलिए तो यहाँ पर देखो आयोडीन सही है, कहोगे मैम कैसे, देखो कैसे याद रखोगे, इधर आओ, जैसे आप इस पीरियोडिक टेबल में नीचे जाओगे, ठीक है, याद रखना नीचे जाओगे तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, तो देखो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे नीचे कौन सा आयोडीन, इसलिए मैंने कहा सबसे, ऐसे सिंपल सा याद रखो, सबसे नीचे जाएंगे तो इसका मतलब एटॉमिक जो आपका रेडियस है वो बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे नीचे इन सब में जो आपका था चार ऑप्शन उसमें सबसे नीचे आयोडीन था, इसलिए आयोडीन का हमने सबसे बड़ा मान लिया, ठीक है, हाँ, कह रहे आयोडीन वाले ताली बजाओ, नहीं इसमें ताली नहीं बजाना है क्योंकि ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, चल अब आपसे पूछा जा रहा है, डैश का उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सा है जिसका उपयोग आपके रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, जल्दी से बताओ, वहां पर कूलिंग एजेंट की तरह इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कूलिंग एजेंट की तरह कूलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रशीतक के रूप में इसका यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है, चलिए जल्दी से, सीएफसी, ठीक है, सीएफसी, यस, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन बिल्कुल ठीक आंसर है, सीएफसी, सीएफसी बिल्कुल ठीक आंसर है आपका यहाँ पर, चलिए नाइट्रोजन नहीं आएगा बच्चे, सीएफसी आएगा, ठीक है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, सीएफसी आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए सिद्धू मूसे वाला भी आए हैं भाई आज, चल रोज आजकल ये कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप ये बता दीजिए, चल अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी गैस अजनबी है, ठीक है, कौन सी गैस है जिसे हम स्ट्रेंजर कहते हैं, विच ऑफ दिस गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस, हाँ जी अजनबी किसे कहते हैं, कौन सी गैस है जो अजनबी है, सत्य प्रकाश शर्मा बताइए, आंसर करिए फिर आपको बताएंगे कि आपने क्या आंसर किया है, हाँ एसी में भी यूज करते हैं, ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन सी गैस है जो अजनबी है बच्चे, ओके खुशबू सी, चलो ठीक है, तो देखो बच्चों अगर हम बात करें कौन सी गैस है जो अजनबी है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है, जो आपकी जिनोन है, ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, जहां पे ज्वालामुखी वगैरह होता है वहां पे देखने को मिलती है, बहुत कम देशों में मिलती है ये, इसलिए जिस देश में नहीं देखने को मिलती वहां के लिए अजनबी है, इसलिए इसे हम अजनबी गैस कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम, चल ठीक है भाई सिद्धू मूसेवाला जी आ जाइए, चल नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, एक्सटिंग्यूशर फायर, आग बुझाता है, जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा बच्चों जो आग बुझा देगा, देखो आग लगाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, एक तो ऑक्सीजन की, दूसरा कोई फ्यूल हो, ठीक है, तीसरा टेम्परेचर, इन सभी चीजों पर आपका आग क्या है लग जाती है, ठीक है, अगर ये आपका क्या होता है सेटिस्फाई करता है,
अगर आपसे पूछा जा रहा है किसी एक भी चीज की मात्रा कट कर दी जाए तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो अगर हम बात करें कि जो CO2 है, CO2 क्या करेगा, O2 के ऊपर जाके बैठ जाएगा और इसकी मात्रा हटा देगा, यहाँ से उसकी जो है सप्लाई कट कर देगा और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो CO2 जो है बच्चों कहाँ यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में CO2 का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल यहाँ पर आपका CO2 बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके CO2 में। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव नवोदित होकर प्रजनन कर सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। अच्छा जल्दी से, बडिंग के द्वारा बच्चों प्रजनन कौन करेगा, बडिंग के द्वारा प्रजनन कौन करता है, कई बार बता रखा है, और अगर बडिंग करें तो बच्चों ये असेक्सुअल है, ठीक है, ये क्या है, ये असेक्सुअल है, अलैंगिक है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है जो कैसा रिप्रोडक्शन करेगा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बाई बडिंग। अब मैम PDF भी डलवा दीजिए, बिल्कुल पम्मी PDF डलवाएंगे, ठीक है, डलवा देंगे PDF। हाइड्रा, यस बच्चों हाइड्रा आपका सही आंसर है। देखो अगर हम आपको एक फोटो दिखाएं तो देखिए इस तरीके से क्या है, यहाँ पर देखो इस तरीके से आपका हाइड्रा है ना, पहले यहाँ से छोटी सी बड़ निकलती है, फिर ये बड़ इतनी बड़ी हो जाती है, फिर ये अपना पूरा एक घर ही बना लेती है, और फिर ये इससे टूट कर एक नया हाइड्रा जो है क्या होता है, बन जाता है। इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें सिंगल पेरेंट होते हैं, ठीक है, मदर फादर की जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं। ओके जी चले आगे, डन है मामला, ठीक है, चले चल आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे आपको लेके। यस अब आपसे पूछा जा रहा है जंतुओं में किस संघ को चपटा कृमि भी कहा जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है विच फाइलम ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म जल्दी से, फ्लैट होते हैं बच्चों वो दिखने में बिल्कुल, मैं कहूंगी चपटे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम किस फाइलम में रखते हैं, किस संघ में रखते हैं, जल्दी से। मोलस्का में किसे रखते हैं, तो मोलस्का में जितने सॉफ्ट जीव हैं वो सब किस में आएंगे, आपके मोलस्का में आते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो है अगर हम बात करें फ्लैट वॉर्म किस में आएंगे, फ्लैट वॉर्म किस में आएंगे, हाँ तो यहां पर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। देखो यहां से आप यहां से पकड़ना प्लेट, ठीक है, प्लेट, और प्लेट कैसी होती है, हमारे घरों में जो प्लेट होती है बच्चों वो भी चपटी होती है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना जो चपटे जो आपके फ्लैट वॉर्म है, जो आपके चपटे जीव हैं वो किस में आएंगे, आप ऐसे याद रखना कि प्लेट भी चिपटी होती है, ठीक है। PDF केडी लाइव एप्लीकेशन पे मिलेगी भाई, PDF जो है केडी लाइव की एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कहाँ से करना है ये तुम्हें आसपास के जो जीव जंतु हैं वो बता देंगे, डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में केडी लाइव एप्लीकेशन, वहीं पर PDF मिलेगी, ठीक है, ओके चल। अब आपसे पूछा जा रहा है भोजन में प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, चलिए कह रहे कॉफी पीने गई थी पड़ोसी के पास, नहीं कॉफी वाला तो यहीं आ जाता है तो जाने की जरूरत नहीं होती है, चल यस बच्चों अगर हम बात करें खाने की जो ऊर्जा है उसे हम किसमें मेजर करेंगे, तो बिल्कुल सही आंसर है उसे हम कैलोरीज में मेजर करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लगा हुआ है, हाँ बिल्कुल ए इज द राइट 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 आंसर। चल आगे चले। सौरभ कह रही मीना के पास गई थी, अभी मीना कौन है भाई, हमें तो याद नहीं है, अच्छा जिससे सौरभ बिजी था उस दिन, चलो कोई नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है एम शेल में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, बच्चों पता है चार सेल आपकी मेनली होती है KLMN, ठीक है, ये एक नंबर वाली, ये दो नंबर वाली, ये तीन नंबर वाली, ये चार नंबर वाली, तो जो एम शेल है बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, एम शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यही आपके सामने क्वेश्चन है, इसी का आंसर कर दो। तो इतना तो हर कोई बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉनों के भरने का फॉर्मूला होता है 2n² और n इक्वल्स टू यही होता है, तो एम शेल की बात कर रहा है तो एम का क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, एम के लिए तीन, ठीक है, तो भरो यहाँ पर 2, 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 2 18, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं भाई बच्चा पार्टी, 18, चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका 18 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी, 18 भाई बच्चा पार्टी बिल्कुल ठीक आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 18 वाले आंसर में।
अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछ लिया इसने, जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो अभिसारी दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार होगा, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आपसे पूछा जा रहा है अगर किसी को फोकस में रखेंगे तो उसका जो क्या बनेगा, उसका जो बच्चों आपका क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा, तो उसका आकार कैसा होगा, कैसा होगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी, चलो ठीक है, क्या आंसर आएगा, क्या बता रहे हैं? तो बच्चों यहां पर आपका डी आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा अंत जो है अत्यंत, और कहां पर बनेगा, जाके आपका अनंत में बनेगा। चलिए अब जल्दी से आप लेंस का सूत्र बता दीजिए, जल्दी से फॉर्मूला ऑफ लेंस बता दीजिए। मिरर का क्या होता है भाई, मिरर का क्या होता है, तो आप सब जानते हैं 1/f = 1/u + 1/b। अब लेंस का बता दो, लेंस का क्या है, जल्दी से लेंस का बता देंगे, जल्दी से लेंस का फॉर्मूला बताएंगे फटाफट, चलो जल्दी जल्दी बता दो। हाँ डी 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 डी, ओके ओके, ए भी है सौरभ ए, चलिए ओके, ए बी डी, चलो। तो बच्चों यहाँ पर आपका सही आंसर है, देखो ऐसे क्वेश्चन ना देखने की आदत डालो, है ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आता होगा लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा ना तो सही बताऊ ना, वहां दो दो हम पांच जोड़ते हैं एग्जाम में। कई बार मेरे साथ हुआ है कि जब प्रेशर में हम रहते हैं एग्जाम में, ठीक है, हमें टेंशन होती है तो वहां दो दो हम पांच जोड़ते हैं, ठीक है, हालांकि मैं हटा दू, नहीं तो तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे कि मैम ने ये जोड़ घटा रखा अपना दो दो पांच। तो देखो ये सब बच्चों को आता होगा लेकिन आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का मतलब है, जब ऐसे क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस रहेगी तो वहां पर भी आप कर पाएंगे। चलिए आगे चले थोड़ा सा तुम्हें लेकर, चलो आगे आ जाओ चार सितारों की दुनिया में। आपसे पूछा जा रहा है कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो 13 किसका है, एल्यूमिनियम का है, सब जानते हैं, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है तो इसका तत्व इसके कोश में क्या हो रहा है, तो इस तत्व के कितने कोश होंगे, हाँ जी जल्दी से बता दीजिए, इसके पास कितने शेल होंगे, जल्दी बताओ कितने शेल होंगे इसके पास, कह रहे हैं रिकॉर्ड ही हो गया मैम। अरे मुझे पता तुम बहुत तेज हो, है ना, बहुत तेज हो, चलो ए ए ए आंसर आ रहा है, चलो चलो बच्चों चार तीन होगा, जिस बच्चे को लग रहा है चार होगा कैसे हो जाएगा, 13 होता है, ठीक है, कितना हम करेंगे इसका, अगर हम करें तो 1s2 2s2 और फिर आपका क्या आ जाएगा 2p6, कितना हो गया 6 2 8 8 2 10, उसके बाद में आएगा 3s2 और आपका 3p में कितना जाएगा आपका 1 जाएगा, है ना। तो अब आपका टोटल हो गया, तो देखो 1 2 3, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कितने कोश है बच्चे, 3, ठीक है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, यहाँ पर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चल अब आपसे पूछा जा रहा है यदि क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36 देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें तो ये एक इनर्ट गैस है, ठीक है बच्चे, एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है, एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, कहाँ पाई जाती है, तो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में जो 18वां ग्रुप है जिसे हम जीरो ग्रुप कहते हैं उसमें पाई जाती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा। तो देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है कैसे देखोगे, देखो पहली बात बच्चों मैंने कहा है ये के शेल है, ऐसे मान लो ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये आपका एम है, ठीक है। तो एम में मैंने कहा था मैक्सिमम 18 भर सकते हैं, तो ये वाला तो ऐसे ही काट दो, ठीक है। उसके बाद में एल में आपका 18 मैक्सिमम नहीं भरता है, ये गलत कर दो, ये गलत हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में ये देखो ये भी आपका गलत जाएगा, लास्ट वाले में 16 ये भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका बी आंसर आपको बिल्कुल तड़कता भड़कता सही दिखाई दे रहा होगा, बी इज द राइट आंसर।
हाँ बी यहाँ पर बच्चे, बिल्कुल सही आंसर है बी, जितने बच्चों ने आंसर किया है वो अपने लिए ताली बजाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बच्चों जल्दी करने की कोशिश करो, ऐसे क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ऐसे क्वेश्चन की आदत डालेंगे, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन से आप प्यार करेंगे, है ना, क्योंकि यही आपको एक दिन सिलेक्शन दिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। मेटल की बात करूं, दोनों का भी बता दूंगी, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। देखो बच्चों मेटल की बात करें तो याद रखना मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको कोई चीज देना है तो आप सोचते हैं मुझे कोई चीज अगर देना है तो मेरे को चीज थोड़ी सी देनी पड़े, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, तो इनके अगर लास्ट में कितना रहेगा बच्चों, या तो 1 2 3, ठीक है, और इनके कितना रहेगा, 5 6 7, ठीक है, ये नॉन मेटल की कंडीशन है, ये मेटल की कंडीशन है, दोनों ही याद रखना। तो यहां पर अगर हम 8 यहां पर गलत कर दे बच्चों, ये 8 ऐसे ही आपका दे दिया है, ये गलत कर देना, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, है ना। अब एक बात बताओ, देखो तुमने मेरे कहने पर 70 लाइक कर दिया था, ठीक है, अब जब तक मैं नहीं कहूंगी, ठीक है, जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई ऐसा है कि जो 75 कर देगा इसे, है ना, इतना भी नहीं करोगे तुम, इतने तो तुम निकम्मे हो, फिर कहोगे मैम निकम्मा मत बोला करो, दिल पे लगती है बातें, चल आगे चले, तो भाई लाइक वाइक कर दो, है निकम्मो, है ना, सो तो पहुंचाई दो, सो तो कर दो, आ जा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज्यादा छोटा आकार का है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट दैट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, हाँ जी, इन सभी में सबसे कम साइज किसका है, सबसे कम आकार किसका है, हाँ 70 से 71 भी नहीं होंगे, पता है मुझे, चलो जल्दी से बताओ, इन सभी में सबसे कम आकार किसका है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट, फटाफट बता दीजिए, इन सभी में सबसे कम आकार किसका है, यस चलिए ठीक है, ओके, चल डी फॉर दिल्ली, ओके। तो यहां पर देखो बच्चों एल्यूमिनियम जितने बच्चों ने कहा है सबका बिल्कुल सही आंसर, क्यों सही आंसर, इधर देखो पीरियोडिक टेबल नहीं लगाई है क्या, रुको पीरियोडिक टेबल में समझाएंगे, ज्यादा समझोगे। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, ये वाला था ना, चलो यही समझ लो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल इन्होंने लगाई नहीं है, आप यही समझ लेंगे। देखो बच्चों होता क्या है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होता है कि जो आपका एटॉमिक साइज है वो कम होता है, ठीक है, तो यहां पर आपका Na पाया जाएगा, यहां पर आपका मैग्नीशियम पाया जाएगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो यहां पर पाया जाएगा, तो सबसे इधर कौन है, आपका एल्यूमिनियम है, इसलिए यहां पर सबसे सही आंसर आपका सी है, ठीक है, चलो चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका Na गलत है, ठीक है बच्चों, ये आपका सही ऑप्शन है एल्यूमिनियम। आ जाइए नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इनमें से कौन धातु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई मेटल है, ठीक है, कोई क्या है, कोई धातु है, तो उसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लगभग कैसा होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई अगर क्या है, कोई अगर बच्चों मेटल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसा होना चाहिए, जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो, और अगर आपको याद हो तो ये अभी मैंने बता दिया, अभी 2 क्वेश्चन से पहले ही क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक, यस मेटल है भाई, मेटल के बारे में, चलिए ठीक है, चलो जल्दी से, हाँ हेयर में क्या करवाया, यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, यही मैं तुम्हें बता के जाऊं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे सही आंसर तुम्हारा क्या है, सबसे सही आंसर जो है बच्चों वो आपका क्या है, आपका 286 है, ठीक है। अगर हम मेटल की बात करें तो देखो बच्चों जो आपका मेटल है ना, आपका क्या है, मेटल है, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, आपका क्या है जरूरी, आपको क्या है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी, ठीक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओके चले आ जाओ आगे चले। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सामान्य तौर पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, जल्दी से बताइए
अगर हमें कोई उदासीनी अभिक्रिया करवानी है तो कैसे लिखेंगे? जल्दी से हाँ चलो जल्दी जल्दी। एक मिनट, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। देखो यहाँ पर तुम्हें यही समझना है, मुझे लग रहा है, हाँ मुझे लग रहा है इस ऑप्शन में कोई मिस्टेक है। देखो बच्चों यहाँ पर जो वैलेंसी है ना वो बिल्कुल सही कह रहा है, 4 से कम होनी चाहिए, मतलब उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, ठीक है, यही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ना वो आपका ए आंसर आपका सही आएगा, है ना। ए आपका सही आंसर आएगा कि 238 रहेगा, और क्या करेगा ये गलत है, ये 28 रहेगा और 3 इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जाएगा आपका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चले आगे चले। हाँ 283 वाला सही है बिल्कुल, वो थोड़ा सा तुम भी भावनाओं में बहते हो, तुम्हारा असर हो रहा है ना, तो हम भी भावनाओं में बह रहे हैं। और लाइक कर दो भाई, बच्चा पार्टी, लाइक जरूर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, सामान्य तौर पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे किया जाता है? हाँ कह रहे तभी तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा चलो भाई, कई बार हम भी ह्यूमन है ना, हमारे हमारे में भी जो लाल खून है हमारा, हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन ही है, ठीक है, हमारे अंदर भी बोन्स है ना, तो गलतियां भी हमसे ही हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से। तो कभी भी अगर एसिड और बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट और सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है, यही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। आपसे पूछा जा रहा है साधारण नमक किसका बनता है, जल्दी से बताइए। साधारण नमक यानी आपका जो है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट की बात करें बच्चों तो कॉमन सॉल्ट आपका होता है NaCl, ठीक है, जो आप क्या करते हैं जिसे आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसे ही आप क्या कहते हैं टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ये आप जो है यही आप अपने खाने पीने में यूज करते हैं। तो आप बताइए जल्दी से जल्दी से। हाँ सॉल्ट प्लस वाटर, बिल्कुल दीप बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल है ना। चलो चलिए ठीक है, एकता पाल ए, ओके हाँ सी सी पूजा, चलो NaCl NaCl बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपका सही आंसर है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे यानी जब आप क्या मिलाएंगे HCl, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस आप NaOH मिलाएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तब जाके तुम्हारा NaCl, ठीक है, और प्लस तुम्हारा H2O बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, आ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ आ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। चलिए कह रहे मैम लाइक कर दिया है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें जो है हमारी वीडियो को लाइक किया, हमें लाइक किया इसलिए नहीं, हमारी वीडियो को लाइक किया। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है। लाइक देखो तुम में से जितने हैं ना सारे, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मैम मैंने नहीं किया है ना, लेकिन तुमने 100 लाइक भी नहीं पहुंचाया और तो मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूं। रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्काइल, कह रहा है ऐसा कौन सा है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और क्षार के साथ यानी बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, यानी वो एम्फोटेरिक है, वो क्या है, वो बच्चों एम्फोटेरिक है, ठीक है, यानी उभयधर्मी है ना, उभयधर्मी कहते हैं, उभयधर्मी है, जल्दी से बताओ, एम्फोटेरिक है यानी उभयधर्मी है, कौन सा है, कौन सा है इसमें। चलो चलिए, तो अगर हम बात करें तो Al2, इसे एलुमिनिया कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं एलुमिनिया कहते हैं, एक तो ये आपका याद रखना और एक आपका है आपका ZnO, ठीक है, जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड, या इसे हम जिंकाइट कहते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों ही बच्चे एम्फोटेरिक होते हैं और ये क्या होते हैं दोगले होते हैं, दोगले कहने का मतलब एसिड के घर में रहेंगे तो एसिड के साथ, बेस के घर में रहेंगे तो बेस के साथ, ओके, कुछ तुम्हारा नेचर इनमें पाया जाता है, ठीक है। और 10 लाइक की जरूरत और है, फटाफट कर दो, आ जाओ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्रॉन्ज में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जल्दी, ब्रॉन्ज में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं।
चले ठीक है, जल्दी जल्दी तुम मजा कम करो, आंसर ज्यादा कर लिया करो। चलो ब्रॉन्ज का बताओ जल्दी से, कितने बच्चे हैं जो ब्रॉन्ज का बताएंगे जल्दी से, कितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो ब्रॉन्ज का बता देंगे जल्दी से, ब्रॉन्ज में क्या पाया जाता है भाई। चलो यस 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 ठीक है, तो कॉपर प्लस टिन ठीक है, क्या पाया जाएगा। देखो बच्चों जो टिन है ना, टिन को हम SN से डिनोट करते हैं, क्योंकि बहुत बार बता रखा है कि केमिस्ट्री में जो ज्यादा एलिमेंट्स है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आपके लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो हम टिन टिन को जो है आपका जो SN है इसको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, इसलिए इसे हम क्या से डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं। ओके ठीक है जी, डन। चलिए अब जल्दी से बताओ, अब आज के लिए मुझे लगता है प्रोग्राम इतना ही था। अब जल्दी से बताओ कि आज तुमने लगभग कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, 1 घंटे में, 1 आवर में आपने आज कितने क्वेश्चंस लगा लिए, जल्दी से बताओ 1 घंटे में लगभग आपने आज कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, जल्दी 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 1 घंटे में तुमने लगभग कितने क्वेश्चंस लगाए आज। हाँ चलो, तो देखो बच्चों जैसा तुम लोगों ने कहा था कि मैम साइंटिफिक नेम करवा दो, है ना, मैंने क्लास लगवा भी दिया था ठीक है, और मैंने PPT भी बना ली थी, सब कुछ ठीक था, क्लास हो भी जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर दिक्कत यही हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो आज कंप्लीट नहीं हो पाए, तो कल की क्लास हम संडे है गैप पड़ जाता, फिर मंडे, फिर जो आज पढ़ा है तुम्हारे दिमाग से सारा क्या हो जाता, निकल जाता, क्योंकि तुम्हारा हिप्पोकैम्पस बहुत जो है कमजोर है ये हमें पता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई जो है हम, जो आपका क्या है, जो आपका साइंटिफिक नेम है ये हम मंडे ही पढ़ा लेंगे ठीक है। कह रहे मैम 360 क्वेश्चन करा दिया, इतना भी मत फेंको है, अब नंबर नहीं दिखा तो कितना भी फेंक दू, इतना नहीं कराया है, लेकिन ये बात की जो है गारंटी है कि 50+ क्वेश्चन आपके कराए गए हैं ना, 50 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं, क्योंकि देखो ये आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है ठीक है, ये PPT में दिख रहा है ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 53 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो है तालियां हो जाएगी इस बात पे कि आज हमने रोज हम 30 क्वेश्चन करते थे और आज हम 50 क्वेश्चन कर लिए हैं ठीक है। चलो तालियां भाई जल्दी से फटाफट इसी बात पे आ जाइए, रोज तुम अपने लिए ताली बजाते हो, आज तुम अपनी मैम के लिए ताली बजाओ, और ये आपका बैच आया हुआ है देख लो, है ना, निगाहों से ये कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, 23 मई से तुम्हारा स्टार्ट है, 2999 इसकी फीस रखी गई है ठीक है, बढ़िया बढ़िया टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में ये हमारी मैम का बैच आया हुआ कंपल्सरी इंग्लिश, ये भी तुम ले सकते हो। चलो सारे बच्चे ताली बजाने में लग गए हैं ठीक है, उसके बाद में ये एक बैच आपका स्पोकन इंग्लिश, ये भी ले सकते हो, और कल जो है जितना भी पढ़ा है सबका रिविजन कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा तुम खेल कूद लेना, और फिर मंडे जो है 5 PM आ जाना, हम साइंटिफिक नेम करेंगे ठीक है। ओके हाँ ठीक है, चलो यादव जी मान ली, आपकी भी मान ली, तो कहीं भी भेज दो चलो चलिए तो ठीक है भाई बच्चे, अब हम मिलते हैं, कब मिलेंगे, मंडे मिलते हैं, है ना, ध्यान रखो अपना, कोई दिक्कत और कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द तो आप बिल्कुल हमसे बयां कर सकते हैं। और देखो 98 लाइक है ना, लेकिन तुम्हारे दिल में ये नहीं होगा कि चलो अच्छा मैम पढ़ा रहे हैं, मैम खड़े हैं, तो मैम कहीं ना कहीं ये सोच रही है 100 कर दे निकम्मे तब मैं जाऊं तो मतलब जब तक मैं कहूंगी नहीं तब तक करोगे नहीं ठीक है, तो चलो मैं कहना ही छोड़ देती हूँ, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अब हम कल मिलेंगे ठीक है, कल नहीं संडे, नहीं संडे तो जो है संडे इज द मंडे, सन नहीं संडे नहीं मंडे मिलेंगे ठीक है। चलो आउटस्टैंडिंग टीचिंग, ऐसे ही कमेंट्स तो मुझे चाहिए ठीक है, ऐसे ही कमेंट्स की तो तलाश रहती है हमें। चलो भाई तो सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, चलो बाय बाय, टेक केयर।